नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा, क्राइम सस्पेंस न्यूज प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज के छतहू को पूर्वा में अज्ञात द्वारा युवक को गोली मारकर घायल करने के संबंध में एसपी अनुराग आर ने जारी किया बाइट। प्रतापगढ़ से देखिए खास रिपोर्ट। गोली मारी गई है और सीने पर ही दोनों को गोली लगी है। क्या है पूरा मामला और किस तरह की घटना थी? थाना क्षेत्र लालगंज में लगभग 6:30 बजे शाम को छतहू का पूर्वा एक गांव है, वहां एक 24 वर्षीय युवक को दाहिनी तरफ गोली लगी है। इनको जिला अस्पताल तत्काल लाया गया। सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई, ऐसे चुलालगंज लेके आए, जहाँ सरन रेफर किया गया है। अभी वो होश में है, उनसे बातचीत की गई है। घटना के बारे में उन्होंने बताया कि उनको कंधे में दाहिनी तरफ गोली मारी गई और उसके बाद उनका मोबाइल लेके जो 3 मोटरसाइकिल से लगाए थे, मोबाइल लेके चले गए। घटना के समस्त पहलुओं को देखा जा रहा है। अभी मैं घटनास्थल में विजिट करूंगा और एसओजी टीम और थाना लालगंज की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया है। अभी क्योंकि मजरूब को तत्काल रेफर किया गया है और हमारी जो प्राथमिकता है यह है कि उनको बेस्ट चिकित्सा उपलब्ध हो, उसके बाद हम लोग सभी से बातचीत करके पूछताछ करके घटना का अनावरण किया जाएगा। दूसरी घटना अभी लगभग आधा घंटा पहले रानीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं हलीम, इनको भी दाहिनी तरफ गोली मारी गई है और इनसे अभी बातचीत हुई, इनके परिवारजनों से बातचीत हुई। इनका एक ज़मीन का विवाद चलता है इन्हीं के गांव के कुछ लोगों से। उनके 4 लोगों के नाम इनके द्वारा बताए गए हैं कि वो 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग थे और उनके द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया है। इनको भी SRN प्रयागराज रेफर किया गया है। SOG टीम और SHO रानीगंज, इनको बताया गया कि जो भी 4 लोग इनके द्वारा बताए गए हैं, जो नामजद है, उनकी गिरफ्तारी तत्काल करें। ऑलरेडी टीमें हमारी दबिश में निकल गई हैं, इनकी भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी कराई जाए। इसमें मामला ये आ रहा है कि 3-4 महीने पहले एक हत्या हुई थी जिसकी पैरवी कर रहा था घायल, ये बात बताई है। ये अभी जो मेरी इनके परिवारजनों से पूछताछ हुई है, उन्होंने बताया है कि पहले भी इसमें ज़मीनी विवाद में एक 302 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 5 लोग जेल गए थे, जिसमें से कुछ लोग छूट के आए हैं और उन्हीं के ऊपर इन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों ने इनके ऊपर फायर किया। कितनी टीमें कुल बनाई गई हैं गिरफ्तारी के लिए? 3 टीमें हैं, 2 टीमें लालगंज में लगाई गई हैं और 1 टीम रानीगंज में लगाई गई है। ठीक है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।